शोबे में कोई अगर सवाल हो गैर मुस्लिम की तरफ से तो कर सकती है मैं धनश्री सावंत एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ बी कंप्यूटर सेकेंड ईयर सो आई जस्ट टू आस्क इज फर्स्ट पेयर ऑफ ह्यूमन बींग्रूव बट इट इज नॉट एस्टेब्लिश बट नाउ हाउसेज विल बी गोइंग टू प्रूव बिकॉज वी कैन गो बैक इन टाइम थैंक यू मैंने सवाल पूछा है कि क़ुरान मजीद और दगर मजाब की किताब में लिखा है कि सबसे पहली जोड़ी आदम और ईफ थी आदम ले सलाम और ले सलाम थे लेकिन साइंस जो तस्लीम नहीं करता हम वक्त में फिर से वापस नहीं लौट सकेंगे तो किस तरीके से हम साबित करेंगे कि सबसे पहले जो जोड़ी है वह आदमी सलाम और बीबी हवा थे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुरान मजीद एक साइंस की किताब नहीं है एस सी आई ई एन सी लेकिन ये किताब है साइंस की एस आई जी एन एस ये आयात की किताब है ये किताब है निशानियों की और कुरान मजीद में सब साइंस के फॉर्मूला नहीं है लेकिन कुरान मजीद में 6000 से ज्यादा आयते हैं छह हजार से ज्यादा निशानियां हैं और इस छह हजार में से एक हजार से ज्यादा अलहमद साइंस के बारे में बात करती है और मैं ये कहना चाहता हूं कि साइंस इतनी एडवांस नहीं है तो मैं क्यों कुरान मजीद में हर बात पे अमल करता हूं जो भी कुरान मजीद में लिखा है साइंस के बारे में अगर आप मेरी तकरीर सुनेंगे के तौर पे हम कह सकते 80 फीसद साइंस प्रूफ कर चुका है कि जो भी कुरान में लिखा है सौ फीसद सही है 80 फीसद जो कुरान में लिखा है साइंस ये साबित कर चुका है कि सौ फीसद सही है अभी बीस फीसद इज एम्बीग जो हमें पता नहीं इस बीस फीसद में से एक भी फीसद अभी तक साबित नहीं किया गया है कि वो गलत है अनोन एम्बीगुअस पता नहीं तो हम डालते उसे डाउटफुल कैटेगरी में डाउटफुल तो मेरी लॉजिक ये कहती है अगर अस्सी फीसद, फीसद सही है और फीसद डाउटफुल है अनबिगस है है उसमें से 0.1 परसेंट भी साबित नहीं हो चुका कि गलत है क्योंकि साइंस इतनी एडवांस नहीं है कि उसे साबित कर सके तो मेरी लॉजिक ये कहती है कि 20 फीसद भी इनशाला सही होगा और इस 20 फीसद में आता है कि पहली जोड़ी इंसान की थी आदम सलाम और बीवी हवा साइंस इतनी एडवांस नहीं कि ये कह सके कि इस जिंदगी के बाद और एक जिंदगी है लाइफ आफ्टर डेथ आखरत के बारे में साइंस इतनी एडवांस नहीं साइंस ये नई तस्लीम करती जो कुरान में लिखा है कुरान में जिक्र है जन्नत और रोजक का कुरान में जिक्र है जिन का साइंस अब तक इतनी एडवांस नहीं कि इसके बारे में कह सके सही है तो बहुत सी चीजें जो कुरान मजीद में लिखी थी 1400 साल पहले अक्सर चीजें साइंस तस्लीम नहीं करती थी लेकिन आज साइंस एडवांस होने के बाद साइंस तरक्की करने के बाद अस्सी फीसद से ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि साइंस आज तस्लीम करती है कि सौ फीसद सही है इन शाह हो सकता है कि पचास साल बाद सौ साल बाद दो सौ साल बाद साइंस ये भी तस्लीम करेंगी कि जन्नत है दोजक है जिन है एंजल है और ये भी तस्लीम करेंगी पहली जोड़ी आदम और बीवी हवा थी आई एम वसीम भंडारी आई एम फ्रॉम बिजापुर कर्नाटका आई ऑफ माई फ्रेंड टू कम टू दिस प्रोग्राम बट

ियस कुरानीन सेट बाई डॉक एंड भाई साहब ने अपने गैर मुस्लिम का सवाल पूछा है और कहते हैं कि कुरान मजीद में लिखा है कि हर अमाल का हिसाब लिया जाएगा और मैंने अपने तकरीर में कहा हूँ कि अल्लाह तला अगर चाहे तो किसी को भी माफ कर सकता है तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं जो लोग को कुरान के बारे में इल्म नहीं है उनको गलत फहमी हो सकती है कि कॉन्ट्रडिक्शन है जब अल्लाह ताला फरमाते हो कई जगह अल्लाह तरमाएं कि जर्रा भर अगर आपने नेक काम किया है तो अल्लाह ताला उसका हिसाब लेगा, और जर्रा भर गलत काम किया उसका हिसाब लेगा। इसमें कोई शक नहीं लेकिन साथ साथ ये भी लिखा है कि अगर अल्लाह चाहे तो आपको माफ कर सकता है लेकिन अल्लाह सिर्फ ऐसा नहीं चाहता है कि यह आदमी अच्छा दिखता है तो इसको माफ कर दूं, यह आदमी का शक्ल बुरी है तो उसको माफ नहीं करूंगा यह आदमी गोरा है तो माफ़ करूंगा यह आदमी काला है तो माफ नहीं करूंगा तो फिर अल्लाह सुबहाना तआला अनजस्ट होंगे माफ़ करने के भी क्राइटेरिया है और अल्लाह कुरान मजीद में ये भी फरमाता है अगर मेरा बंदा तोबा करता है तो मैं उसे माफ़ करूंगा तोबा करने के शराब है तो करने की शराय है कि अगर कोई आदमी गलत चीज करता है तो पहले उसे मानना चाहिए कि वो गलत है नंबर दो उस गलत काम को रोकना चाहिए नंबर नंबर उस गलत काम को फिर से नहीं चाहिए। चार अगर वो गलती को अंडू कर सके उस गलती को वापस से अंडू कर सके मिसाल के तौर पे, अगर कोई शख्स चोरी करता है हजार रुपया वो वापस दे सकता है उसे वापस देना चाहिए तो अगर वो तोबा करता है और चारों शर्तों पे निकलता है तो अल्लाह ताला उसे माफ़ करेगा उसका मतलब कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है क्योंकि अल्लाह ताला रहमान और रहीम है अल्लाह रहमत वाला है अल्लाह रहीम है इसीलिए अल्लाह सुबहाना तआला इंसानों को मौका देता है कि अगर आप गलती करेंगे आपको माफी मांगने का मौका दिया जाएगा और अल्लाह अगर हर इंसान की छोटी गलती पकड़े और अगर एक भी गलती को माफ नहीं करे तो अल्लाह के रसूल के हिसाब से कोई भी इंसान जन्नत में नहीं जाएगा इसीलिए हर सूर्य के पहले रहमान रहीम है सूरत नंबर नौ छोड़ के हर सूर्य के पहले लिखा है रहमान रहीम अल्लाह के नाम से जो रहीम और रहमत वाला है क्योंकि अल्लाह सुबहना दयालु है ही इज लविंग ही इज मर्सिफुल इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं अल्लाह व तआला मौका दे रहा है तोबा करने का और सही रास्ते पे आने का होप क्वेश्चन अप्रिशिएटेड द क्लास दैट यू गिव इट हैड अ गुड इंपैक्ट ऑन पीपल एज वेल एज द प्रीचिंग मूड दैट यू कैरीड अबाउट द सुप्रीम लॉर्ड दैट इज अल्लाह इज मोस्ट प्रेज वर्दी दिस इज व्हाट द सोसाइटी रियली नीड्स टुडे बट एज ऑफ सम थिंग्स व्हिच आई हर्ड फ्रॉम यू देयर आर मेनी क्वेश्चंस but I'll ask one as of the formality is considered. You said that... Uh, brother, please may I know your name brother? Oh, sorry, sorry. I am Dilip Mishra and I have been studying Gita and Bhagavatam and various scriptures. And I am B computers in profession and I am doing software job. One of my colleagues, Majid Khan, he invited me. And basically I came to know about you when I was working with him and we were both undergoing training, so he saw that I practiced something and he asked me some questions like you had already talked of Natasya Pratimasti and various other things. And I had refuted all the arguments in the sense that based on scriptures, I said that what Zakir Naik is saying is wrong. So he could not refute, counter-argue my arguments. So he said that when we will have a seminar, we will talk to Mr. Zakir Naik directly. I said, if you allow, I can talk. I have no problem. So, if you don't mind, can I ask you a question? Sure, most welcome, brother. Thank you. Now, you said that actually nobody is the son of God. So, I do understand that as of begetting a son, obviously nobody is directly begot as a son here. But in Bhagavad Gita, at various places, it is already mentioned that uh, Krishna is saying, ममे वंशो जीवलोक जीवभूतन सनातन मनसष्ठा इंद्रिया प्रकृतिस्था कृष्य आई नो यू आर ऑलरेडी नोइंग अबाउट इट बट आई जस्ट रीड द ट्रांसलेशन इफ यू डोट माइंड इट्स इज द लिविंग एंटिटीज इन दिस कंडीशन वर्ल्ड आर माई इंटरनल फ्रैगमेंटल पार्ट ड्यू टू द कंडीशन लाइफ दे आर स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड विदिक्स सेंसेज विच इन्क्लूड द माइंड हियर द सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण सेट यू आर माई पार्ट एंड पार्सल And there is one more special shlok which says that I am the father, I am the mother, I am the seed-giving father. So that is 9.17. If you want, I can just read it for you. It says, mata I'll just read the translation. I am the father of the universe, the mother, and the support, and the grandsire. I am the object of knowledge and the purifier and the syllable Om. Um, I am the Rig, the psalm and the Yajur Vedas. So here if we see that the Supreme Lord is saying, All of our my sons, I take care of them. So I do agree with your first point saying that somebody is directly begotten as a son. That can be denied. But as of spiritual part and parcels, we are surely the son of the Lord and we deserve his mercy.

उन्होंने कहा उनके दोस्त से कि जाकिर कहते नात से फ़ते मस्ती और मैं इसमें नहीं मानता हूँ क्या मैं कुछ सवाल पूछ सकता हूँ मैंने बोला बेशक और उनके सवालात में उनने कहा कि जब मैं कहता हूँ कि अल्लाह सुबहाना उताना बेटा नहीं जना लेकिन उन्होंने भगवद गीता के दो श्लोक का ज़िक्र किया और एक श्लोक में लिखा था कि श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं आपका पिता हूं मैं आपका माता हूं तो ये सवाल करने वाले कहते हैं कि मैं मानता हूं कि खुदा बेटा नहीं जनता गॉड कैन नॉट बिगेट अ सन लेकिन आम सन हो सकता है आम सन फॉर एग्जाम्पल इफ यू रीड द बाइबल बाइबल से बुक ऑफ रोमन्स दैट ऑल दूसर लेड बाई द स्पिरिट ऑफ गॉड दे आर सन ऑफ गॉड जो भी अल्लाह के अहकाम को मानता है वो अल्लाह का बेटा है उस अंदाज में अगर आप कहते हैं कि हम भगवान के बच्चे है आई no पे, अगर कोई जयीफ इंसान अगर मुझे कहेगा या कोई नौजवान को कहता है बेटा इधर आओ तो वो फॉर बोलेगा जी चाचा जान मनाएंगा लेकिन अगर कहेगा कि आप मेरे जने हुए बेटे है इधर आओ तो वो उसको एक लाफा मारेगा बेटा मतलब सन वो छोटा आदमी है इज गिविंग रिस्पेक्ट मिसाल के तौर पे मेरे इंट्रोडक्शन में शेख फैजुर रहमान ने कहा कि शेख दीदात ने कहा डॉक्टर जाकिर नाइक को बेटा और फिर बेटा मतलब मैं उनकी इज्जत करता हूं वो मेरे वालिद के समान है लेकिन अगर वो लिखते थे कि मेरा जना बेटा तो प्रॉब्लम है आप समझ रहे कि नहीं दिस इज द लैंग्वेज तो इस तरीके से अगर आप बेटा कहते हैं और कहते हैं कि गॉड इज फादर तो अगर आप कॉन्टेक्ट में देखते हैं कि वो हमारा पालने वाला है वो हमारा खालिक है वो हमारा रब है उस तरीके से आप कहते हैं मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं लेकिन इसीलिए कुरान मजीद में निन्यानवे सिफत है अल्लाह ताला की उसमें से अब जो आसान है जान बूझ के नहीं लिखा है लेकिन रब जो और मुश्किल है रब बोलना अब से और मुश्किल है जान अपने सिफतों में अब को नहीं लिखा क्यों लोग उससे गलत मानी ले सकते हैं वरना फादर बोलना अच्छी बात है और हम आम तौर पे कहते हैं बेटा इधर आओ कोई हर नहीं इसीलिए मैं कहता हूं बाइबल में अगर कहते कि जो लोग अल्लाह की बात मानते हैं वो अल्लाह के बेटे हैं, मुझे कोई हर्ज नहीं उस तरीके से ईसा बेशक अल्लाह सुबहाना व ताला के भेजे हुए अजीम पैगम्बर थे वो बेशक बेटे थे लेकिन अगर कोई कहता है कि ईसा आई सलाम अल्लाह के जने हुए बेटे हैं, तो ऑब्जेक्शन आप समझे ना तो बाइबल में किधर भी नहीं लिखा है कि ईसा सलाम अल्लाह के जने हुए बेटे हैं

लेकिन जब आप आर एस वी पढ़ते हैं रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ दिल्स जना हुआ ये इंटरपोलेशन है fabrication है, बनावटी है ये बाइबल में था ही नहीं और वो क्रिश्चियन स्कॉलर्स ने ये लफ्ज को बाइबल के बाहर उठा के फेंक दिया है इसी तरीके से आपने जो कहा के भगवत गीता में लिखा श्री है श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं माता हूं मैं पिता हूं इन कॉन्टेक्स मुझे प्रॉब्लम नहीं है हालांकि मैं नहीं कहूंगा कि खुदा हमारे वालदे क्यों? क्योंकि लोग को गलत फहमी हो सकती है लेकिन अगर कोई इंसान सही कॉन्टेक्स में कहता है कि हम अल्लाह के बच्चे हैं मुझे कोई एतराज नहीं लेकिन जने हुए नहीं इसी तरीके से आप पढ़ेंगे गीता वेद वेद सबसे ऊंची किताब है वेद के बाद आता है उपनिषद उपनिषद के बाद आता है इतिहास तो अगर आपको जानना इतिहास के अंदर महाभारत का एक हिस्सा है भगवत गीता। अगर आपको कोई शक है है, मानी में क्या हो सकता है। अगर दो मानी निकलती है तो आपको जाना चाहिए वेद के पास या उपनिषद के पास आप अगर उपनिषद पढ़ते हैं स्वतः उपनिषद चैप्टर नंबर छह वर्ष नंबर नौ उसमें लिखा है नागिजा ना चदीपा जिसके मानिए उस भगवान उस खुदा का ना वालिद है ना वालदा है ही नो सुपीरियर नो फादर नो मदर मैं कंप्लीट करता हूं फिर वो का दूंगा इसी तरीके से आपने कहा कि मैं ना सिर्फ प्रतिमा अस्थि को नहीं मानता हूं क्या आप वेद को नहीं मानते आप यह कह सकते हैं कि मैं जाकिर जो ट्रांसलेशन देता है मैं उसमें नहीं मानता हूं तो मैं जवाब दे सकता हूं तो आपके भगवत गीता का जवाब तो दे दिया हूं। लेकिन पहले जब आपने कहे ना तस्मा अस्थि ये हवाला है नस्य प्रतिमा अस्थि प्रतिमा एक संस्कृत वर्ड है अगर आप संस्कृत डिक्शनरी में जाएंगे लिखा है कि प्रतिमा के मानी है बुद्ध के मानिए फोटोग्राफ के मानिय स्टैच्यू उसके मानिए स्कल्पचर तो जब वेद और स्वेता सूत्र उपनिष में आता है तस्य प्रतिमा अस्थि उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं उस खुदा का कोई बुत नहीं है उस खुदा की कोई तस्वीर नहीं उस खुदा का कोई फोटोग्राफ नहीं कोई स्कल्पचर नहीं तो ये मानी है अगर आपको संस्कृत नहीं पता है तो आपको जाना चाहिए संस्कृत डिक्शनरी में और हमारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में अलहमदल्ला सांस्कृत डिक्शनरी है फिर हम कह सकते हैं कि मानी में आप मानते कि नहीं मानते तो इसीलिए कुरान में लिखा है सूर्य नहल में सोना नंबर 16 आयत नंबर 43 में और सूर्य अंबिया में सोना नंबर 21 आयत नंबर 7 में फस अलु फसल इनकुलाम अगर आपको नहीं पता है तो उससे पूछिए जो इस मैदान का माहिर है और जो मैं कह रहा हूं आपको कई कमेंट्री दिखाऊंगा जो अलहमदुल्ला हिंदू पंडितों ने लिखी है आप अगर आर्य समाज की किताब पढ़ेंगे तो जो मेरी तकरीर है वो खुद मैं अपने जहन से नहीं कहता हूं मैं तहकीक करता हूं और हवाला भी देता हूं वो अलग बात है कि आपको इल्म नहीं होगा संस्कृत का इसीलिए आप इस बात में नहीं मानते आई होप आंसर लाइक टू कंटिन्यू डोंट माइंड फर्स्ट पार्ट नो हार्म And as of saying that we are begotten sons of God, that is not accepted. And that is true. So my kind request is that when you speak, because when you said, people carry this in their mind that anyone who says that you are sons of God, the Muslim community will oppose. So that will just create a disharmony without understanding the context. So that was my concern. Just hold on. There is never a disharmony, brother. If you say we are children of God, most Muslims will not object. The only object when a Christian says that Jesus is son of God, peace be upon him, because we know the context. We object when you take a deity's name and say that this deity is the son of God. Most Muslims Muslim will not object if you say that the human beings are children of God. I don't know any. So what, because we know the context, that's the reason, brother, when you ask a question, you should realize. In general terms, son means begotten son. It is a dual meaning when we use son, इट्स जस्ट इन कॉन्टेक्स देफो वी आर वेरी केयरफुल वी डोंट वॉन्ट एनी वन टू मिस हम ये नहीं चाहते कि गलत फहमी हो इसीलिए हम जान बुझ के ये भी नहीं कहते कि हम बेटे हैं खुदा के वो बिल्कुल गलत हो जाएगा अगर कोई गलत फहमी लेता है मेरे अल्फाज से हम इसीलिए वी आर वेरी केयरफुल हम जान बूझ के एहतियात लेते हैं और ऐसे अल्फाज जिससे गलत फहमी पैदा हो सकती है खसूसन खुदा के लिए भगवान के लिए हम क्या करते हैं तहकीक करते हैं और वी आर वेरी केयरफुल द नॉट टू यूज दिस वर्ड द आंसर द क्वेश्चन ब्रदर।